हाय फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और देखिए, आज मैं आई हूँ धान के खेत में। यहाँ पर बीड़ा लगा हुआ है मेरे पीछे, देखिए। और आज मेरे पड़ोस की दीदी जो है उनका धान लग रहा है, तो वहीं मैं आई हुई हूँ। और देखिए, सभी लोग बीड़ा उखाड़ रहे हैं। और ये जो बीड़ा है, ये धान का गच्छी होता है, जिसको हमारे यहाँ बीड़ा बोलते हैं। और इसमें धान को छींट दिया जाता है और 21 दिन बाद ये बीड़ा तैयार होता है, उसके बाद धान रोपा जाता है। और वैसे हमारे यहाँ मानसून तो आ गई है, लेकिन बारिश उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, जिस वजह से अभी धान लगाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं, इसको बीड़ा बोलते हैं, ये वाला धान का जो गच्छी होता है वो है। अब मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि बीड़ा कैसे उखाड़ते हैं। तो देखिए, इधर दीदी उखाड़ रही है और इस तरह से इसको झाड़ करके बांधना पड़ता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर हल से ही खेतों की जुताई की जाती है, और सूरज निकलने के पहले ही लोग खेतों में आ जाते हैं हल चलाने के लिए, और इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसे हमारे झारखंड में इस वर्ष बारिश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे यहाँ की खेतीबाड़ी पर पड़ रहा है। और हमारे यहाँ अच्छी बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर कृषि कार्य जो है वो वर्षा पर ही आधारित है। वैसे बीते कुछ दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन खेतों में पानी का जो जमाव है वो नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से धान की रोपाई जो है बहुत कम हुई है। जिसका खेत नदी तालाब के किनारे है, वो लोग नदी तालाब में बचा हुआ जो पानी है उसका उपयोग कर धान की रोपाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बाबा जो है वो खेत का मेड़ को बना रहे हैं, ताकि खेत में जो है अच्छा पानी जमा हो सके। और खेती बाड़ी के लिए पानी बहुत आवश्यक होती है। और मैं फिर से अब चलती हूँ घर की ओर। और यहाँ पर दीदी खाना बना रही है, ये सभी जितने भी धान रोपने के लिए आएंगे उनके लिए खाना बन रहा है, और इसको बनगड़ी वाला खाना बोलते हैं। और दीदी यहाँ पर हड़िया बना रही है, ये राइस बियर है ये, और इसको तपान हाड़ी बोलते हैं ना दीदी, तपान के लिए बना रही है। इस तरह से बनता है और ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी में बीड़ा डाला हुआ है, तो खेत थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, इसलिए गाड़ी से बीड़ा को ले जाया जा रहा है। और खेत के पास पहुंच गए हैं और गाड़ी से उतार करके बीड़ा को खेत में लेकर के आ रहे हैं। और हमारे यहाँ अपने पूर्वजों को याद करके और अपने रीति रिवाज के अनुसार धान लगाने के पहले प्रेयर किया जाता है, ताकि हमारे यहाँ का धान का जो फसल हो वो अच्छा हो। और तभी मैंने आप लोगों को दिखाया था तपान हड़िया, उसी को यहाँ पर अपने पूर्वजों को याद करके दिया जा रहा है। और इसके बाद जिनके खेतों में धान लग रहा है, उस परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं वो सबसे पहले धान लगाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको बनगड़ी बोलते हैं, और उसके बाद ही बाकी लोग आ करके धान लगाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं इस तरह से बीड़ा को खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर में फेंकते हैं, ताकि धान लगाने वालों को सुविधा हो सके। और जैसे कि मैं आप लोगों को बतलाई कि इस बार हमारे झारखंड में उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है, तो सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिनके खेतों में पानी है वो तो धान लगा दे रहे हैं, लेकिन जिनके खेतों में पानी नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका जो बीड़ा होता है गच्छी वो भी ख़राब होते जा रहा है। तो यहाँ के किसान जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, पूरा सूखे की स्थिति हो गई है। और दीदी लोग का खेत जो है वो काफ़ी गहरा है, इसलिए यहाँ पर पानी जमा हो गया है, इसलिए हम लोग इस बार धान लगा पा रहे हैं यहाँ। ये आप लोग भी धान रोपने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है धान रोपना। हाँ, देखिए कितना सारा पानी है, देखिए। और हमारे यहाँ धान लगाना जो है एक त्यौहार के जैसा हो जाता है। इसमें जिनका धान लगता है उनके पूरे परिवार के लोग आते हैं खेतों में, और उनके अगल बगल के जो टोली मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी आते हैं, और सभी लोग मिलजुल कर गाना गाते हुए बातें करते हुए धान लगाते हैं। और बच्चे भी आते हैं और बच्चे भी खूब मस्ती करते हैं, कभी वो मछलियाँ पकड़ते हैं तो कभी वो लोग कीचड़ में खेलते हैं। इस तरह से बहुत इंजॉय करते हुए धान को रोपा जाता है। और एक खेत में लगभग हम लोग धान लगा के कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता में जो भी घर में बनता है वही हम लोग ले करके आते हैं। तो आज इडली बना था और पक्का कटहल है, तो इसी को हम लोग नाश्ता करेंगे, और हम लोग गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर दूसरे वाले खेत में जाएंगे धान लगाने के लिए।
अभी धान रोपने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सभी लोग जो हैं वो खेत में जा रहे हैं धान रोपने के लिए। और अभी जिस तरीके से रोपा जा रहा है इसको घुमरी रोपाई बोलते हैं। ये सेंटर से स्टार्ट करके फिर चारों तरफ राउंड राउंड ये लोग फैल जाएंगे। तो इस तरह से रोपा जाता है। धान रोपना लगभग अब कंप्लीट हो गया है और अब सभी लोग घर जाएंगे। सभी लोग अब घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए धान रोपने का काम कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग घर की ओर निकल पड़े हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।